दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फहीम मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार के अंदर, जिसका आज इफ्ताह होने लगा है लाहौर जंक्शन पे, और इसको कवर करने के लिए स्पेशली मैं इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचा हूँ सुबह सुबह रेल कार से, और आने वाले दिनों में ये डाइनिंग कार जिक्री एक्सप्रेस में लगाई जाएगी होपफुली 10 जनवरी को। तो आज सीईओ रेलवे इसका इफ्ताह कर रहे हैं लाहौर जंक्शन पे, वो इफ्ताह भी आपको दिखाएंगे और इसके अलावा डाइनिंग कार भी घूम फिर के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, स्पेशली इस प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार को कवर करने के लिए मैं इस्लामाबाद से सुबह सुबह रेल कार के ज़रिए पहुँचा हूँ लाहौर, और लाहौर में ये दो प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार जो हैं वो तैयार की गई हैं, और आज तकरीबन 1 बजे दोपहर को सीईओ पाकिस्तान रेलवे इसका इफ्तिताह करेंगे, और होपफुली 10 तारीख को ये दोनों प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार जो हैं वो जिक्री एक्सप्रेस में जो अटैच की गई हैं, जो कि मुल्तान से कराची के दरमियान चलती है 26 और 25। तो बहुत ही अच्छा इकदाम पाकिस्तान रेलवे का। तो एक डाइनिंग कार आपने देख ली है, अभी आगे चलते हैं और आपको जो दूसरी डाइनिंग कार है वो भी दिखाते हैं। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि इसका मेन्यू वगैरह क्या होगा, क्योंकि आज सिर्फ इसका इफ्तिताह हो रहा है लाहौर जंक्शन पे, और आने वाले दिनों में जो है वो जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी जिक्री एक्सप्रेस में, तो फिर इसका मेन्यू वगैरह जो है वो हम दिखाएंगे भी और खाएंगे भी। और सबसे पहले आपसे मुलाकात कराते हैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त सुफियान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद हमारी दुश्मनी पड़ गई, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि इस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे। आप मुझसे पहले से यहाँ से मौजूद हैं, तो क्या देख रहे हैं इसके बारे में, क्या कहेंगे? एम्बियंस बहुत अच्छा है, और एक नई चीज़ है तो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। बाकी उम्मीद है कि सर्विसेज भी अच्छी होंगी, और सबसे बेहतर जिस चीज़ के लिए ये है कि फूड भी अच्छा होगा। फूड तो उसका तो मुवाजना आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। जहाँ तक मेरी पर्सनल इसमें ऑब्जर्वेशन है कि जब इफ्ताह हो रहा होता है चीज़ों का, जी जी, तब बड़े धड़ल्ले से और बड़े धूमधाम से उसको सजाया जाता है और उसकी तदीनो आरइश की जाती है। इसको हम असल देखने वाली होगी 3 महीने के बाद। बिल्कुल। इसकी हालत क्या है, इसका मेन्यू क्या है? फ्यान, सबसे पहले डाइनिंग कार में तो हम बैठ गए आके, आपके ख्याल में इसका जो मेन्यू है वो क्या होगा? कुछ डिफरेंट होगा। वैसे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जैसे बिरयानी कोरमा वगैरह, तो इससे डिफरेंट कुछ लाएंगे। जो इन्होंने प्रोमो ऐड बनाया था उसके अंदर तो काफ़ी चाइनीज वगैरह और ऐसी चीज़ें आ रही थी। सही है। इसके अलावा किचन में मैंने तंदूर भी देखा है, तो ये एक नया एडिशन है ताकि लाइव तंदूर की आपको रोटियां मिल सके। और इसके अलावा उम्मीद है कि कुछ फास्ट फूड वगैरह भी होगा ताकि बच्चे वगैरह भी एंटरटेन हो सके। चलिए, बहुत अच्छा कदम है पाकिस्तान रेलवे का, और होपफुली इसको एक प्राइवेट कंपनी जो है एस जमील एंड कंपनी वो रन करेगी आने वाले दिनों में। और जैसा कि आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये दोनों जो प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार्स हैं, ये आने वाले दिनों में जिक्री एक्सप्रेस में जो है वो लगाई जाएंगी 26 और 25 में, क्योंकि मुल्तान और कराची, कराची और मुल्तान के दरमियान चलेगी। तो बहुत खुशकिस्मती होगी मुल्तान के शहरियों की कि उनको इतनी ज़बरदस्त जो है सहूलत आने वाले दिनों में मिल रही है। और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये होगी कि जब इफ्ताह हो रहा होता है किसी चीज़ का, तो बहुत धूम धड़क्के से और बहुत शानदार तरीके से सजा के सब चीज़ें पेश की जाती हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले 3 महीने के बाद इसकी जो सर्विसेज हैं वो कैसी होंगी। तो आपके ख्याल में कोई फ़र्क पड़ेगा या ऐसे ही चलेगी? ट्रेंड तो यही है, फ़र्क तो पड़ता है। जैसे ग्रीन लाइन एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुई थी, तो बाकी हमारी तो यही ख्वाहिश है और दुआ भी यही है कि जो जैसा पहले दिन धूम धड़क्का होता है, ऐसे ही हर दिन ही हो। जी, ये आप देख रहे हैं अभी बावर्ची खाना किचन इस प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार का स्टोव, उसके बाद सिंक, और बाकी यहाँ पे स्टोरेज के लिए जो है वो बॉक्सेस वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे तंदूर भी बना हुआ है जैसा कि सुफियान ने बताया,
इसके अलावा स्टाफ के आराम करने के लिए जो है केबिन मौजूद है 6 लोगों के लिए, और ड्यूरिंग ट्रेवल वो लोग इसके इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ रहेंगे इस डाइनिंग कार के। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एस जमील एंड कंपनी के MD हैदर शाह साहब, जिन्होंने इस प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार की बिड जो है वो विन की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर भाई, सबसे पहले आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आप आए भी इसलिए भी खास तौर पर। जी, हमने तो कवर करना है कोई भी रेलवे का इवेंट हो तो आपका शुक्रिया, आपने इन्वाइट किया। आप हैदर भाई मुझे बताएं कि ये इतनी रेनोवेशन जो हुई हुई है इस डाइनिंग कार में, इससे पहले कभी रेलवे में इस किस्म की इवन कोचेस भी देखने को नहीं मिलती। इसके अंदर लकड़ी का काम हुआ हुआ है, बेहतरीन कुशनिंग है, बेहतरीन सीट्स हैं और कम से कम 30 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। तो ये रेनोवेशन एस जी मिल एंड कंपनी ने खुद की है या रेलवे ने आपको करके दिए? नहीं, हमने टेंडर विन किया था, उसके बाद हमने सारी ईच एंड एवरीथिंग इस कोच के अंदर शेल हमें अवेलेबल हो गया था, बाकी सारी की सारी हमने खुद रेनोवेशन की है इसकी, खुद की है। थोड़ा सा मुझे ब्रीफली जो है इस डाइनिंग कार के बारे में बता दें कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज जो है मौजूद हैं। देखिए, पहले नॉर्मल जो डाइनिंग कार होती थी उसके अंदर लिमिटेड सी 2-3 आइटम्स अवेलेबल होती थी। हम इसमें जो है मूविंग रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस कराया है। इसमें 40-45 आइटम्स जो है वो आपके पास जो है अवेलेबल होंगी इधर, जिसके अंदर जो है बारबेक्यू है, फास्ट फूड का ओवन अंदर हमने किचन में लगाया, बारबेक्यू पिट हमने इधर लगाई है, फ्रेश नान इधर तंदूर किचन के अंदर अवेलेबल है, और ये सारी की सारी चीज़ें इधर ही कुक होंगी और फ्रेश आपको सर्व होंगी। और इस तरह अराउंड 40 आइटम्स हैं, जिसमें जो है वो हलीम भी है, जिसके अंदर जो है बटेरे भी हैं, जिसके अंदर मटन भी है, चिकन भी है, फिश भी है, चाइनीज़ भी है, कॉन्टिनेंटल स्टेक्स भी हैं, ऑल आइटम्स विल बी अवेलेबल ऑन सर्व देयर। और उसके साथ साथ हमने इकॉनमी का मेन्यू भी निकाला है, जो 180 रुपए से प्लेटर्स शुरू होते हैं, जिसके अंदर दाल, चावल, पुलाव, वो सारी चीज़ें, ताकि कोई भी इसमें जो है ना फैसिलिटी से महरूम ना हो सके। अच्छा, इस डाइनिंग कार की जो सर्विसेज हैं वो डाइन इन है या आप इसको अपने सीट के ऊपर भी आप सर्व करेंगे इसको? इसमें 2 कैटेगरीज हैं, इसमें एक है डाइन इन, आप प्रीमियम लाउंज के अंदर ही बैठ के मेन्यू ले सकते हैं, और दूसरा मेन्यू है जो कि आप अपनी रूम सर्विस के अंदर भी ले सकते हैं। तो वो दोनों डिफरेंट हैं। अगर हम वो फुल लॉन्ग मेन्यू जो है वो अंदर सर्व करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो कुछ आइटम्स जो है वो सिंगल पेजर मेन्यू जो है वो आप अपनी सीट पर भी सर्व करवा सकते हैं। अच्छा, आप ज़िक्री एक्सप्रेस में इसको आगाज़ कर रहे हैं इस प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार का, तो ज़िक्री एक्सप्रेस ही क्यों आपने चूज़ की? इसमें सबसे एक नेशनल कॉज भी कह लें, इसमें जो है ये है कि जनूबी पंजाब जो है वो पसमानदा इलाका है, लोग ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि पसमानदा इलाका है, तो हम उधर फैसिलिटीज़ कम है, तो देखें पाकिस्तान रेलवे के उस मिल के उसके साथ जो है उसकी पार्टनरशिप में हमने सबसे पहले ये कोशिश की है कि हम जनूबी पंजाब को जो कराची से कनेक्ट करती है ट्रेन, उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो इंशाल्लाह आने स्टार्ट हमने उधर से किया है, इंशाल्लाह अगर हम फर्दर टेंडर्स विन करते हैं तो हम मेन लाइन की गाड़ियों को जिसमें भी डाइनिंग कार्स अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह उसको इससे बेहतर अपग्रेड करेंगे। ये हमारा मिनिमम लेवल हमने सेट कर दिया है और इंशाल्लाह ताला अगली गाड़ियों में इससे अच्छा मेयार और अच्छा इंटीरियर आपको मिलेगा। इस प्रीमियम लाउंज के अंदर जो स्टाफ है उसकी कुल कितनी तादाद होगी और क्या वो स्पेशली ट्रेंड है या कन्वेंशनल जैसे बाकी डाइनिंग कार्स में होते हैं उस किस्म के लोग होंगे? देखिए, हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो एज अ टॉप मैनेजमेंट हम पॉलिसी बना सकते हैं, अच्छी फूड क्वालिटी सप्लाई कर सकते हैं, जो एट द एंड जो कस्टमर इंट्रैक्शन होता है वो स्टाफ से होता है, वो सर्विस देने वाले से होता है। तो हम जितना उनको फैसिलिटेट करेंगे, अपने सर्विस को खुश रखेंगे स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को, उतना ही जो है वो आगे इम्पैक्ट ट्रांसफ़र होगा। तो हम हॉस्पिटैलिटी से रेलिवेंट जो रेस्टोरेंट्स और उधर वो सारा का सारा स्टाफ हमने
हायर किया है, और इधर का स्टाफ अलग होगा और जो सीट सर्विस देगा वो स्टाफ अलग होगा, दोनों अलग टीम्स होंगी। और हमारे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके अंदर जो है वो शिफ्ट सिस्टम होता है, मतलब आपने टीम का रूट सिस्टम होता है, और हर ट्रिप के बाद, राउंड ट्रिप के बाद नॉर्मली दे हैव 36 आवर ऑफ रेस्ट, तो ताकि वो भी फ्रेश हों और मेंटली भी फ्रेश हों और जो है वो अच्छी सर्विस दे सके। तो हम ये नहीं करते कि गाड़ी में वो चढ़ा रहेगा और हर वक्त 24 घंटे वो उधर ही रहेगा और अंदर ही सोएगा, जहाँ पे भी उसका ब्रेक होगा तो वहाँ पे रेस्ट एरियाज हैं, फूड एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अच्छा, टाइमिंग के हवाले से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि खाने का लगभग अगर रात को खाना खा रहा है तो 7 बजे से लेके और 8 या 9 बजे तक का टाइम होता है, तो 30 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि रश आवर्स के अंदर आप कैसे डील करेंगे? देखिए, हमने ना इसको स्मार्टली, आजकल हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ चलती है, एक तो ये कि ये थ्रू आउट द जर्नी है, ये नहीं होगा रात को 12 बजे बंद हो जाएगी, वो वाला सिस्टम नहीं, आप थ्रू आउट नाइट जो है और सुबह तक जो है ये हर वक्त अवेलेबल होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसमें स्लॉट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, जब आप ऑर्डर पंच कराएंगे तो आपकी जो इनवॉइस निकलेगी डिजिटल इनवॉइस, उसके ऊपर आपका कंप्यूटराइज ऑटोमेटिकली जो है वो नंबर जो है वो मेंशनड होगा कि आपका टाइम इस स्लॉट से लेके इस स्लॉट तक है, और जब आप वहाँ पे पंच करवाएंगे मेन्यू तो सॉरी ऑर्डर, तो साथ ही पीछे जो है किचन के अंदर आपकी जो है क्यू में जो है वो लग जाएगी, तो जब आपकी स्लॉट होगी फॉर एग्जांपल 6 बजे से लेके 6:30 बजे 30 मिनट्स का आपका सिटिंग टाइम है, तो आपके किचन में 6 बजे आप टेबल आपकी अवेलेबल होगी, मार्क्ड होगी टेबल के इस पे आपने बैठना है, और आपका 6 बजे आपकी टेबल पे खाना होगा। तो इसलिए हम इस तरह हमने स्मार्टली मैनेज किया हुआ, 30 लोग एट अ टाइम बैठे हुए हैं, तो उसके बाद उन्हें 30 मिनट्स बाद नई टीम ने 30 लोगों ने आ जाना है, तो इसको स्मार्टली हमने कंप्यूटराइज सिस्टम से मैनेज किया। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आप माशाल्लाह इतने अरसे से रेलवे से ताल्लुक है आपका, कि आप नहीं समझते कि बाकी जो पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन हैं जिसमें स्पेशली ग्रीन लाइन, कराकरम, कराची एक्सप्रेस, पाक बिजनेस जो लॉन्ग रूट पे चल रही हैं, इसके अलावा पेशावर से चलने वाली ट्रेन्स जिसमें खैबर मेल, अवाम एक्सप्रेस, इन ट्रेन्स को भी ज़रूरत है डाइनिंग कार्स की, और क्या आप इन ट्रेन्स की जो डाइनिंग कार्स है आने वाले दिनों में उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं उसकी बिडिंग में? जी बिल्कुल, हम वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड, और हम इंशाल्लाह ताला जो है मैक्सिमम पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलके जिस में हम विन करेंगे तो हम उसमें पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलके इससे बेहतर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएंगे। देखिए, डाइनिंग कार फैसिलिटी तो आप भी जानते हैं, रेलवे को मैं भी जानता हूँ कि पैसेंजर की रिक्वायरमेंट है, एक आप इतनी लॉन्ग जर्नी के अंदर जो है वो डाइनिंग कार वो बंदा खाए इंजॉय करे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि जर्नी भी करें और इंजॉय भी करें फैमिली, तो हम इसलिए जो है जो लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ हैं और अगर हम उनमें से विन कर जाते हैं टेंडर फ्लोट होकर, तो हम इससे बेहतर इंशाल्लाह ताला उसके अंदर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, इस्तेताब भी हो गया और हैदर शाह साहब की बातें भी आपने सुन ली, लाउंज भी आपने देख लिया प्रीमियम। अब मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहूँगा भी कि आने वाले दिनों में ये प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार इसी स्टैंडर्ड के साथ चलती रहे जैसा कि बताया गया है, और कोशिश करेंगे कि ज़िक्रिया एक्सप्रेस में जब ये इसका इस्तेताब होगा तो उसको भी कवर करें, पर जो सबसे अहम चीज़ है वो इसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, क्योंकि देखा ये जाता है कि जब चीज़ इफ्ताह हो रही होती है तो उसका स्टैंडर्ड कुछ और होता है, पर ऐसा ऐसा जो है वो डिक्रीज हो जाता है स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले पाकिस्तान रेलवे और ख़ास तौर पे एसटीबी लैंड कंपनी को अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि लोग इस प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार को इस्तेमाल करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।